कभी-कभी जब हड़बड़ी होती है तो हमें लगता है कि कुछ ऐसा बना लो जिसको बनाने के बाद आप एक बार में ही रोटी, सब्जी, राइस, दाल सबका आनंद ले सकते हो। तो वैसे ही आज मैं बनाने जा रही हूँ वन पॉट मील, जो एक ही पॉट में आप ऐसा बना सकते हो जो आप पूरा लंच हो जाए आपका। तो यहाँ पर मैंने लिया है पुलाव राइस जो दावत का आता है, और उसे मैंने लगभग लिया है 1 से 1.5 कप, और जितना आप चावल लेते हैं उसके जस्ट डबल आपको पानी लेना है। और ये मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ, और माइक्रोवेव में बनाना बहुत ही इजी होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पीस डाल दिया है, ये मैं सफल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ी सी सॉल्ट डाली हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पर मैंने थोड़ा घी ऐड किया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये जीरा राइस का भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। और यहाँ पर आप चाहें तो अनियन ऐड कर सकते हैं, बट मैं बहुत हड़बड़ी में थी तो अनियन मैंने ऐड नहीं किया, डायरेक्ट इसमें पनीर डाल दी हूँ। तो पनीर मैंने थोड़ा सा मिक्स किया और थोड़ी सी सॉल्ट इसमें भी ऐड की हूँ। और ये हल्की सी जब रेडनेस यानी पिंक टाइप की जो कलर आती है वो आ जाएगी ना, उसके बाद आप इसे उतार दें और सेम पॉट में आप इसको डाल दें। ये बहुत ही जल्दी बनती है, तो आपका थोड़ा सा पीस भी चला गया और थोड़ी सी इसमें पनीर भी चली गई। आप चाहो तो जो मैंने कहा कि अनियन आप ऐड कर सकते हो, तो उससे भी काफ़ी अच्छी टेस्ट आ जाती है। तो इसे मिक्स कर दें आपस में ताकि सॉल्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे बंद करें और माइक्रोवेव 30 में जो सेकेंड आपका का जो कप। स्विच होता है, जो स्टार्ट बटन होता है, जो 30 सेकेंड के लिए आप गर्म करने के लिए यूज़ करते हो, उसे मैंने 5 मिनट पर सेट किया। और ये देखिए 5 मिनट, अगर आपको लगे कि 5 मिनट में नहीं होता है तो आप 2-3 मिनट और कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आपको लगता है 8 मिनट के अंदर वो बन जाता है राइस। और आप ये देखिए, ये सब्जी मेरी बची हुई थी सुबह की और ये मैंने राइस बनाया, और आप सैलेड के साथ फटाफट इसे सर्व कर सकते हैं। आपके घर गेस्ट अगर आ भी गए तो आप उनसे बात करते करते ये बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।